कवरेज और ब्लूटूथ ब्लॉग्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मिट्टू नहीं मिल रहा इसलिए। और ये आज हम मेजर ध्यानचंद जी के स्टेडियम में जाएंगे, थोड़ा वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, चलते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का स्टेडियम जो कि झांसी में है, आप लोग देख सकते हैं। जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, बने रहिएगा दोस्तों। बहुत बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, ये झांसी का प्रसिद्ध स्टेडियम है, ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा नज़ारा यहाँ का। ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे हॉकी खेला जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे, इसीलिए उनको हॉकी के जादूगर बोला जाता था। तो ये भी पूरा बंद है, अंदर जाने का रास्ता सभी बंद है, मैं देख चुका हूँ, तो आप लोगों को यहीं से दिखाता हूँ मैं पूरा नज़ारा यहाँ का। मुझे आज का ब्लॉगिंग करने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे अंदर। बस आ गया हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्लॉग डालना है। चिट्टू कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं दोस्तों। और ये ग्राउंड है यहाँ का, ये क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए ग्राउंड अलग से दे रखा है। और ये जो मेरे पीछे है ये हॉकी का ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ हॉकी खेली जाती है। बताइएगा दोस्तों कमेंट में कैसा लगा। और आप लोग जानते ही हैं कि इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त। दोस्तों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आप लोगों को ये स्टेडियम दिखाना था, ये कंटेंट मैंने बना के रखा था, कुछ और ही बना के रखे हुए हैं, मैं दिखाता रहूँगा आपको। हज़ारों पॉइंट हैं यहाँ पे मेरे पास दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है मेरे पास कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं है, इसलिए मैं बिल्ली का बहाना बना रहा हूँ या अपने चिट्टू का बहाना बनाऊँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय दोस्तों, बाय।